हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बीते दिनों हुई हिंसा में पुलिस ने बुधवार को 6 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन गिरफ्तार दंगाइयों को लेकर एसएसपी प्रहलाद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए 6 दंगाइया मुखानी थाने की गाड़ी जलाने और नगर निगम कर्मचारियों पर हमला करने में शामिल थे। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोग जो अपने घर बंद कर फरार हो चुके हैं, उनको तलाश करने के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो 3 एफआईआर हम लोगों ने बनपुरा क्षेत्र में जो घटना हुई उसमें की थी, तो आज 2 एफआईआर में, एक एफआईआर जिसमें मुखानी थाने गाड़ी जलाई गई और दूसरी एफआईआर जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर हमला हुआ और उनके कुछ सामान को जलाया गया था, इन दोनों मामलों में हमने 3-3 और गिरफ्तार किए गए हैं। आज जो मुखानी थाने की जो गाड़ी जलाई गई थी उसमें कुछ लोग सीसीटीवी में हमने फाइंड आउट किए हैं और ये लोग उस टाइम जो आगजनी और जो पत्थरबाजी थी उसमें शामिल थे। बाकी जो 3 लोग हुए हैं, इन लोगों ने मौके पर आके नगर निगम के कर्मचारियों के साथ में धक्कामुक्की की और इनके द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया और जो नगर निगम की संपत्ति है वो जलाने को देखिए। इस घटना के बाद में कुछ इस तरीके का डाटा हमारे पास आया कि कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं,